सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। प्रणाम करते हैं। जिस मिट्टी पे खड़े होकर मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए होंगे। चार पंक्तियां इसलिए रखना चाहती हूँ प्रारंभ में कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपका परिचय कहाँ है, क्या है, आप कहाँ से आते हैं। इन पंक्तियों पर आपकी प्रतिक्रिया बता देगी कि आप इसी मिट्टी के ही आदित्य से। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। मेरी आदर्श कौन है, मैं यहाँ से बात प्रारंभ कर रही हूँ। अक्सर मैं इन पंक्तियों से प्रारंभ नहीं करती हूँ, लेकिन आपके बीच में उपस्थित हूँ। बेशक आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस मिट्टी के हैं। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंदवाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हिंदवाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी हो। प्रतिक्रिया से समझ गए कि आप बुंदेलखंड की शौर्य प्रसूता धरती पर ही हैं और वहीं के हैं। मैं प्रणाम करती हूं बुंदेलखंड को और एक गीत प्रारंभ कर रही हूं। मैंने भूमिका बनाई है और यहीं से बात प्रारंभ करना चाहती हूं। आपकी मिट्टी को नमन करता हूं, सम्मेलन जीवंत रहते हैं। आप सब की उपस्थिति को नमन करती हूं और थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिएगा कि यह समय 1857 का समय है। देश गुलाम है और कोई राष्ट्र जब गुलाम होता है तो कैसा लगता है, महसूस कीजिएगा। अपनी मिट्टी को प्रणाम कीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। आप सब बैठना चाहते हैं। सुने, गीत एक शब्द चित्र से प्रारंभ हो रहा है। सुने, निर्जला शुष्क सी धरती धरती पर आना पड़ा। देश में कितनी कमियां हैं सब बता देंगे। थोड़ी देर के लिए अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व कीजिएगा। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अननाई का। के प्रति कितना अनुराग है। हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भार। नई पीढ़ी जो इतिहास से परिचित नहीं है, ये मंच बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे राजा महाराजा अंग्रेजों के समक्ष समर्पित हो रहे थे और ऐसे में एक महिला सिंघनी की भांति दहाड़ती है, गरजती है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। कितनी आश्चर्यजनक घटना रही होगी। सुने, गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भार। झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया उस रानी ने जो घोषणा की, वो घोषणा गा रही हूं। यदि मिट्टी के प्रति अनुराग है तो मुझे बताइएगा। लेकर
छूट जाए अस्तित्व नहीं बदले। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। उस देवी की मूर्ति आप सबने देखी है ना, उसको शब्दों के द्वारा मूर्त करना, गोरों की सत्ता। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ आपके शौर्य को आमंत्रित कर रही हूँ, सुने। गोरों की सेना पर रानी तावानल बनकर छाई थी, रणचंडी में खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के इनके दो घोड़े। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। इतिहास के जानने वाले लोग बैठे हैं, राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, परंतु ये बात सच है। यदि आप इस बात को सच मानते हो और सच जानते हो तो मुझे बताइएगा, 1857 की क्रांति के समय यदि ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता तो हमें और लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। हम 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्र हो गए। यदि पूरी तरह निरपेक्ष होकर बैठे तो मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा भाई को जब मरवाता है,
द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का, बताइए अभी राष्ट्र ने अभी तक ग्वालियर को माफ नहीं किया है, मैं मन के समर्पित कर रही हूँ, सत्ता को त्रेता में पद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता के माथे लगना। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां रखेंगे, इतिहास राजनीति के हिसाब से बदल जाता है लेकिन इतिहास इतिहास रहेगा, इतिहास साक्ष्य बन जाता है, इतिहास साक्ष्य बन जाता है, हर अकथनीय सच्चाई का बलिदान मर्दानी लक्ष्मी बाई। बहुत प्रणाम करती हूँ, कुछ विशेष पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। आपके मन की बात राजनीति से जुड़े लोग बैठे हैं, ये भी अकेले में सोचते होंगे तो क्या सोचते होंगे, आप क्या सोचते हैं सुने। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, मेरी बात से सहमत हो केवल वही लोग मेरा साथ दें। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि कारवां जिंदा है, ना भाषण से है उम्मीदें ना बातों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, ये भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा है। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। चार पंक्तियां रख रही हूँ, बिल्कुल नहीं हाँ चार पंक्तियां रख रही हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ, क्या महत्व है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने आपका विशेष ध्यान चाहती है पंक्तियां। बेर झूठे न यदि करती परीक्षा व्यर्थ हो जाती, बेर बेर झूठे न यदि करती परीक्षा व्यर्थ हो जाती, जटायु के कटे पर की समीक्षा व्यर्थ हो जाती, जटायु के कटे पर की समीक्षा व्यर्थ हो जाती, अगर अगर रावण दहन तक जाने की लाज ना बचती तो 14 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाती। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। तरीके से सुन रहे हैं तो मुझे लगता है इन पंक्तियों पर आपका भरपूर स्नेह मिलेगा, बहुत समझदार लोगों के बीच में रखने हैं सुने। कहर दिल्ली में जब में कहीं पर भी उबर पाया, मानो बम बनते हैं फूट जाते हैं और खुद को जिहादी बता रहे हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु मैं कैसे मानती हूँ, आप कैसा मानते हैं बताइएगा। कहर दिल्ली में जम्मू में कहीं पर भी उबर पाया, भले फैला रखा दुनिया में तुमने खौफ का साया, जिहादी बन के आत्मघाती
वाली का भी नटिया। बहुत आभार, आप सब बहुत मन से बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। युवा पीढ़ी ने तुमसे बताइएगा, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। सुने कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे कुछ भाइयों को पंक्तियां याद है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकर रंग हो जाए। बहुत बार कुछ विशेष पार्टियां कार्यक्रम आयोजित करती हैं, कुछ अलग अलग है। वो ये चाहते हैं कि उनके प्रमुख नेता का नाम लेकर पंक्तियां जरूर कही जाएं। तमाम ऐसे प्रस्ताव सभी मंच पर भी आते हैं, एक पंक्ति किसी नेता के लिए आज तक नहीं कही है। और क्यों नहीं कही है, मैं बात आप सबके समर्थन पर कह रही हूं। सुने, मैं भारत वर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे एहसास कराइएगा कि मैं बुंदेलखंड हूं। मैं भारत वर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, मैं जानती हूं, लेकिन एक गीत आप सबके बीच में इसलिए रख रही हूं क्योंकि मुझे पता है जब राष्ट्र के विरोध में जब बातें उठती हैं तो सर्वाधिक गुस्से में आप होते हैं। आपके गुस्से को मैं जाने जा रही हूं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में एक सैनिक जब अपनी बैरक में लौट रहा था तो उस पर कुछ सिरफिरे लोगों ने पत्थर फेंके। आप सबने देखा होगा, वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ, आए दिन पत्थरबाजी होती रही, यहां तक शहीदों की शव यात्रा पर भी पत्थर फेंके गए। ये भारत हम नहीं चाहते थे। आप में यदि उस वीडियो को देखकर गुस्सा आया है, हिंदुस्तानी होने के नाते आया ही होगा, ऐसे में कविता का की क्या भूमिका होती है जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। बात यहां से प्रारंभ कर रही हूं, गुस्से में है लेकिन शब्दों की मर्यादा भंग नहीं हुई है, इस विश्वास के साथ आपके बीच में रख रही हूँ। ये हालात रहेंगे, कल कल छल छल करती कविता उतरी है सुरसरी के समान, सबका हित हो सब सुखी रहे खोजती हमेशा उपादान, पशु पक्षी प्राणी सचर अचर जन चेतन सब खुशहाल रहे, हो रीति नीति सबके अंदर संस्कृति से माला माल रहे, सबके सबके उर में मृदुता जागे, सबके उर में मृदुता जागे। कविता का भाव यही तो है, बन जाए अंगुलिमाल संत अति सूक्ष्म प्रभाव यही तो है। इतिहास पूर्वजों का पढ़कर स्वर्णिम भविष्य को गाएगी, सोया पौरुष जिनके भीतर उनको झकझोर जगाएगी। झुकने की कोई सीमा है, उस परिस्थिति में भी जब उस सैनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसको कहा गया कि वो धैर्य दिखा रहा था। अब आपकी ओर से झुकने पाएगी, मन के भीतर वाली पीड़ा आखिर कब तक रुक पाएगी।
कश्मीर स्वर्ग है धरती का, वो बात है जो आप सब जानते हैं और आप सब स्वीकार करते हैं। कश्मीर स्वर्ग है धरती का, हमको प्राणों से प्यारा है, सुंदरता का पावन तीर्थ सज्जनता का गुरुद्वारा है। उस सज्जनता को दुर्जनता जब यदा कदा कर पाती है, भूली भटकी है रस्ते से दामन में दाग लगाती है, पत्थर नवजात उठाए हैं, ये दृश्य हम सबने देखा, पर ही घात लगाते हैं। ये मर्यादा को भूल गए, अपनी औकात दिखाते हैं। हिंसक बनकर जो टूटेगी, अब आप गुस्सा गाना चाहती हूँ, हिंसक बनकर जो टूटेगी वह नस्ल बहुत पछताएगी, सैनिक की अपनी सहन शक्ति जिस रोज दगा दे जाएगी, सुधरे सीमा तक धारण करो धैर्य, सीमा तक धारण करो धैर्य, मद वालों का सीमा तक धारण करो धैर्य, मद वालों का सौ से आगे यदि बढ़ जाए वध कर डालो शिशुपालों का, सौ से आगे यदि बढ़ जाए वध कर डालो शिशुपालों का, बोटी 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 करके फेंको, टुकड़े फौरन मक्कारों के अंदर हो चाहे बाहर हो कुल भारत के गद्दारों, तोड़ो तुरंत तोड़ो बेड़ियां पड़ी जो पांवों में, तुम लिपट तिरंगे में आखिर कब तक आओगे गांवों में, हो चुका राग सहिष्णुता का बदलो जवाब की भाषा को, यह देश वार के लिए खड़ा पूरण कर दो अभिलाषा को, करनी पर दुश्मन की सेना सिर धुन धुन कर पछताएगी, निज ठोर ठिकाना ढूंढेगी फिर भी न कहीं बच पाएगी, वरदाई 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 जैसा लक्ष्य लिए गोरी का वध कर पाएगी, सच्चिदानंद घट घट वासी हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े संस्कृति
बेटी वाला, बेटी वाला। मैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, मेरे मन का आंदोलन है, मैं पंक्तियां पहुंचा रही हूँ, मुझे उतनी ही ऊर्जा दीजिएगा जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुने बिना किसी भूमिका के। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, हमारी पीड़ा है इसलिए कह, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां, कटवा के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां, बेटे हो उतन भले आपका सबके लिए है, आज नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। और इनको चूंकि आदेश हुआ था तो मैं अंतिम चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। कवि सम्मेलन होते हैं आज, तो वास्तव में मैं बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ, अक्सर कविता के नाम पर सिर्फ चुटकुले आप तक पहुंचते हैं और बेटियों महिलाओं के नाम पर तमाम चुटकुले आप तक पहुंच जाते हैं और आप हंसते भी हैं, लेकिन ऐसे समय ये कविता तिवारी आप सबसे कुछ प्रश्न रख रही है आप सबके समक्ष, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन प्रश्नों के उत्तर जीवन पर्यंत आप तलाश ही नहीं पाएंगे। ये कविता तिवारी आपसे क्या कहना चाहती है सुने। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तपसा ठिकाना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, जनता जनार्दन बताए एक बात कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सब कुछ होता सब 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 कुछ होता पर एक बात सोच लेना, कविता ना चाहती कोई कविता सुनाना। मेरा परिचय क्या है वो परिचय आपको पहुंचाना चाहती हूँ, और यदि उत्साह के साथ इस परिचय को स्वीकार कर लेंगे तो एक गीत जिसके लिए मुझे आदेशित है, आज आदेशित किया जा रहा है, मैं वो गीत भी आपके बीच में रखूंगी। चार पंक्तियां रखती हूँ, मेरा परिचय सुने। शांत भाव में चंद्र सलीखी, दग्ध हुई तो सविता हूं, शांत भाव में चंद्र सरीखी, दग्ध हुई तो सविता हूँ, कभी अगर पढ़कर देखोगे तब समझोगे कब क्या हूँ, कभी अगर पढ़कर देखोगे तब समझोगे कब क्या हूँ, अमर हर काल खंड में मैं भारत की कविता हूँ।
मुझे आदेश हुआ है। बहुत विडंबना है देश के, अब राष्ट्रभक्ति का भी विरोध होने लगा है, और उससे भी बड़ी विडंबना है कि विरोध करने वाला पूरी दुनिया में जाना जाने लगा है। इतने देशभक्त, इनका प्रचार कोई नहीं करता, और यदि एक राष्ट्र विरोधी स्वर हो सकता है तो रातों रात वो नायक बन जाता है, हीरो बन जाता है। मैं नहीं, मुझे नहीं पता किस दल की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि राष्ट्रभक्ति के समर्थन में कितने लोग खड़े हैं। मैं बात प्रारंभ कर रही हूँ और आप सबकी प्रतिक्रिया से मैं अंदाजा लगा लूंगी। माँ धरती धरती है संयम, माँ धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार, कितने भी कोई जुर्म करे पर कभी मानती नहीं हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सजे देश उन सब की यह अभिलाषा है। हर एक देश को ना रहा सच्चा है अथवा झूठा है, कर्तव्यों से निर्मित सम्मान अनूठा है। निज निज आर्यवर्त की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूं। क्यों आई हूं? और एक निवेदन करना चाहती हूं, मुझे आदेश है, आप सबने आदेश दिया है, इस अपार जनसमूह में जो भी मेरे हिस्से में है, आप सब उनमें से 40% लोग को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। निवेदन करना चाहती हूं कि आप सब साहित्य के मर्म के लोग हैं, बहुत सारी रचनाएं YouTube से सुन सकते हैं आप सब, लेकिन यदि वर्तमान में रहकर आप तालियां बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबका भी मन मिल रहा है। ये रचनाएं आपको मिल जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि रिकॉर्डिंग करने की बजाय आप वर्तमान में रहकर जीने का प्रयास करिएगा और अभी मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं आप सबकी तालियों की कमी रह जाए इसलिए मैं कह रही हूँ। हो गई चूक
धन्यवाद, आपने बहुत मन से सुना। गीत का अंतिम बंद आपके बीच में रखते हैं। कितने देश है इस विश्व में, फिर भी भारत की जय होती है। पंक्तियां, मजदूर जहां श्रम साधक है उस भूमि भाग का क्या कहें, मजदूर जहां श्रम साधक है उस भूमि भाग का क्या कहना, नित मेहनत का राधक है उस भूमि भाग का क्या कहना, बढ़ती ही रहती है प्रतिपल भारत माता की अमित शान, पोषित करती है जो संज्ञा हम सब उसको कहते किसान, दर्शन दर्पण का करो चित्र हर ओर भला है चंगा है, बेशक कमियां हो सकती हैं लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें भी दृष्टि दीजिएगा, दर्शन दर्शन दर्पण का करो चित्र हर ओर भला है चंगा है, लहराता नील गगन पथ पर वहां अपना पूज तिरंगा, बल पर रहता है तैयार हमेशा रहते हैं बुंदेली खंड की धरती, तैयार हमेशा रहते चूर करो हे त्रयंबकेश्वर महादेव हे नील कंठ भरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी, सम्मोहन मारण वशीकरण, राजनीति के लोग बैठे हैं न्यायाधीश हैं पंक्तियां समर्पित करते हैं ये सब देखते रहते हैं, सम्मोहन मारण वशीकरण उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे भयमुक्त दिखे, अरे हंत तुरंत करो कौतुक रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण सन्न सहने सकते क्या हुआ मनज की काया को, अनुरक्ति पढ़े सीमाओं तक लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे, मिट जाए तिमिर अशिक्षा का भाषित शिक्षा का दान रहे, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु पूजित युग युग अभिमान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक। और अंतिम चार पंक्तियां मेरे परम आदरणीय चाचा जी उपस्थित हैं।